मद्रास में कर्नल से काम कर रहे हैं, इधर से कार्ड आया है ना। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में, मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए दोस्तों, आज हम बीजापुर शहर के टिपू सुल्तान चौक के पास खड़े हैं। जो राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक राज्य भर में लॉकडाउन चल रहा है, इसी के चलते आज बीजापुर शहर में लॉकडाउन का 5वां दिन है। तो आइए दोस्तों, आज बीजापुर शहर में कुछ लोग इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए भूखों को खाना दे रहे हैं, जो लॉकडाउन में कई दिनों से फंसे हुए हैं, जो कई दिन से भूखे थे। तो आइए दोस्तों, उन लोगों से जानते हैं जो भूखों को खाना खिला रहे हैं। यहाँ पर कैसे आए आप? कैंटीन से काम कर रहे हैं। कौन से कैंटीन में? तो अब लॉकडाउन होकर 5 दिन हुआ, तो आप कहाँ 5 दिन से कहाँ पर हैं आप? इधर से कार्ड आया। तो फिर खाना पीना कैसा कर रहे हैं आप? कौन दे रहे हैं आपको खाना? वो कैंटीन वाले आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं? आपकी पेमेंट भी दिए कि नहीं? हूँ तो फिर अब लॉकडाउन में होटल भी बंद है, सब बंद है, आप कैसे कर रहे हैं? कहाँ पर सो रहे हैं आप? ऊपर सो रहे हैं। कहाँ? बस स्टैंड में? नहीं है जी। हाँ, कैंटीन। कैंटीन में? हाँ। वहाँ पर खाना वगैरह नहीं बन रहा है कुछ आपके लिए? फिर आपको खाना कौन दे रहा है यहाँ पर? आप 5 दिन से आप भूखे हैं। 5 दिन के सुबह नाश्ता। आपका नाम? नमस्कार। बीजापुर जनते के ना इवती दिन कोविड 19 करोना महामारी इवती 5ने दिन नड़ीता है। 5ने दिन नड़ीता है करोना महामारी दिन दिनकू बेळताने इदे। बीजापुर जिले नोड़े ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕೋವಿಡ್ ಮರಿಜನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಾಸನ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಜನರ ಹಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿಂದ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ಇವರು ಬಡವರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರ ಕಡೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕಂಡು ನಾವು ನಗರದ ಮದೀನಾ AM ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಸೇರಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫುಡ್ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಕೂಡ
नगर यारू आपत्नारे यार तंदरे अनुभवस्तारे और कड़े स्वल्प हेच्चु गमन को ऊट तिंडी इकोली ऐनार व्यवस्थे बेड़ा लास्ट टाइमल अल टे रोडल आश्रम नेमक आश्रमल इवे संकटर अली हम शिफ्टी अली ऊट तिंडी और उपचार आगत उद्देश्य नानू विषय तम गमन के जिलाधिकारी और गमन के तरता आयतु इष्टी नानू नु मुगस्तनी नानु अब्दुल जाकी एस पटेल समाजवादी जनता पार्टी कर्नाटक स्टेट जनरल सेक्रेटरी मदीना एम कमिटी कूड़ा जनरल सेक्रेटरी नानु स्वल्प मट्टिगे जनर सेवेयन्नु जय हिंद जय कर्नाटक अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिरादरान इस्लाम अज़ीज़ा निगरामिया मैं तमाम मदीना एम कमेटी वालों का नौजवानों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने आज जितने भी यहाँ पर भूखे बैठे हैं उन्हें खाना खिलाया है और लोग ये समझ रहे हैं कि हम अगर ये किसी के दिमाग में है कि हम दिखावा कर रहे हैं नहीं हम उनको पैगाम पहुंचाना चाहते हैं उन लोगों को पैगाम पहुंचाना चाहते हैं जो अपने पास माल और ज़र रख करके और एसी कारों में फिर करके जो हजरात अपने आप को अमीर समझते हैं आज ज़रूरत है कि उन हजरात को बाहर निकलने की इन गरीबों को खाना खिलाने की और इन प्यासों को पानी पिलाने की और हमारे न्यूज़ चैनल में भी आप देखते हैं और अखबारों में भी आप देखते हैं कि लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं लोग ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से मर रहे हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़रा बाहर निकल करके देखो कि लोग कोरोना से भी मर रहे हैं ऑक्सीजन न होने की वजह से भी मर रहे हैं और साथ ही साथ भूख से भी मर रहे हैं और प्यास से भी मर रहे हैं मैं मदीना एएम कमेटी का प्रेसिडेंट होने की हैसियत से और मेरी ये तमाम मदीना एएम कमेटी के जितने भी यहाँ पर हजरात मौजूद हैं इनसे हम सब से ये अपील है कि आप तमाम ही हजरात जो भी माल व जर रखते हैं जो भी अमीर हैं एसी कारों में फिरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने नवाजा है तो इससे भी ज़्यादा नवाजे लेकिन आप कोशिश ये करें कि गरीबों की मदद करें यतीमों की मदद करें बेवाओं से जो है अच्छा सलूक करें और उनकी भी मदद करें और मैं मदीना एएम कमेटी का जिम्मेदार होने की हैसियत से तमाम नौजवानों को यह मैसेज देना चाहता हूं कि तमाम नौजवान अपने व्हाट्सएप में कोरोना वायरस के कितने लोग मरे हैं उनकी चिताएं जलाई जा रही है उनको कब्रिस्तान में सुलाया जा रहा है ऐसे वीडियो हरगिज ना रखें ट्विटर्स पर अपने वीडियो ऐसे ना रखें क्योंकि लोग कोरोना वायरस से कम मर रहे हैं और ये देख करके लोग अपने आप को घबराहट महसूस कर करके यानी कि हमारे बीजापुर के जबान में बोला जाता है कि छाती फोड़ करके वो मर रहे हैं घबरा करके वो मर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वीडियो हरगिज ना रखें दीनी के वीडियो रखें और हम ये मदीना एएम कमेटी और हमारे अब्दुल रजाक एएस पटेल साहब हैं हमारे अब्बास बड़गानूर साहब हैं गौस पीरा साहब हैं महबूब रफाई साहब हैं बुजुर्ग साहब हैं डॉक्टर साजिद रफाई साहब हैं जो ये मदीना एएम कमेटी के बड़े जिम्मेदार हैं मैं इनसे हम ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं यहाँ ना खाने या भूखा सिर्फ मुसलमान ही नहीं है भूखा सिर्फ हिंदू ही नहीं है बल्कि हिंदू भी भूखा है मुसलमान भी भूखा है सिख भूखा है ईसाई भी भूखा है यहाँ पर मजहब नहीं देखा जाएगा इसीलिए एक शायर ने क्या खूब कहा था क्या बनने आए थे क्या बन बैठे कई मंदिर बना बैठे कई मस्जिद अरे हम इंसानों से अच्छे हैं इन परिंदों की जात कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे यहाँ हम भूखे को हम मुसलमान नहीं देखेंगे क्योंकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम दिया है कि भूखों को खाना खिलाना यह सबसे बेहतरीन मजहब है यह प्यासों को पानी पिलाना यह सबसे बेहतरीन मजहब है अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी वो काम नहीं कर रहे हैं बस आप तमाम हजरात ये यस न्यूज के जरिए से ये यस न्यूज जो है पूरी इंडिया के अंदर फैला हुआ है पूरे हिंदुस्तान में ये फैला हुआ है हम यस न्यूज के जरिए से ये दुआ भी करते हैं कि यस न्यूज को अल्लाह ताला बड़े से कामयाबी अता फरमाए और इसके साथ साथ हम सबको चाहिए कि हम भूखों को खाना खिलाएं प्यासों को पानी पिलाएं गरीबों की मदद करें अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे हाथ जोड़ करके ये
पैसे वालों से अमीरों से ये गुजारिश करता हूँ कि मैं एक मदीना एएम कमेटी का मुझे प्रेसिडेंट ना देखें, एक ख्वाजा अमीनुद्दीन आला का खलीफा ना देखें, बल्कि ये देखें कि रसूल का ग़ुलाम है, रसूल का उम्मती है। इनका हाथ जोड़ करके मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे गरीबों की मदद करें, ऐसे गरीबों की मदद करें, और उसे यंग कमेटी जो हमारी आई है इनके लिए भी दुआ करें कि इंशाल्लाह हम इसे बढ़ करके करने की कोशिश करेंगे। ये यस न्यूज़ के ज़रिए से हम मदीना एएम कमेटी की जानिब से मैं ये पैगाम पहुंचा रहा हूं। अगर मेरे कहने में कुछ गलतियां हुई हो, अगर किसी का दिल नाराज़ हुआ हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूं। मेरी गुजारिश यही है कि गरीबों की मदद करें और बेवाओं की मदद करें। अल्लाह हम पर सब पर करम फरमाए और यस न्यूज़ को और तरक्की अता फरमाए। अल्लाह गरीबों की मदद फरमाए। आमीन आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरा नाम जावेद दरगाह चिश्ती अल कादरी, मैं ख्वाजा अमीनुद्दीन अली आला शेर खुदा माशू के रब्बानी का खलीफा हूं और मदीना एएम कमेटी का प्रेसिडेंट भी हूं। मैं तमाम मदीना कमेटी वालों से शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम अंजाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो बीजापुर में जो कोरोना महामारी की जो बीमारी फैली हुई है और जो हमारे प्रशासन जो अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर रही है तमाम बीजापुर की जो मजलिस को बचाने के लिए, तो मदीना एम कमेटी जो है इन्हीं के जानिब से, मदीना एम कमेटी के जानिब से भी जो है, और हमारे अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जो हमारे एस पटेल साहब और मदीना एम कमेटी के प्रेसिडेंट साहब जावेद चिश्ती दरगाह साहब का, तो इन्हीं के जानिब से जो है जिला अधिकारी और म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर साहब का भी जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.